दोस्तों जीडी फ्री डिश टीवी देखने का मजा अब शायद आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कुछ टॉप ब्रॉडकास्टर्स ने अपने हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल को प्रसार भारती के फ्री टू एयर प्लेटफॉर्म से हटाने का फैसला किया है। स्टार इंडिया, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और वायाकॉम 18 जैसे टॉप ब्रॉडकास्टर के इस कदम से करीब 2.2 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित होंगे। तो अब आप लोग जी अनमोल, स्टार उत्सव, रिश्ते, सिनेप्लेक्स, स्टार भारत और सोनीपल जैसे पॉपुलर चैनल्स का लुत्फ नहीं ले पाएंगे। तो क्या है ये मामला, जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक का जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक छोटा सा ओपिनियन मांगा जाएगा, वो ओपिनियन आप देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डीडी फ्री डिश टीवी से अब टॉप हिंदी चैनल्स हटाए जा रहे हैं, यानी फ्री डिश टीवी पर अब नहीं देखेंगे टॉप हिंदी चैनल्स। दोस्तों एक टॉप ब्रॉडकास्टर के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने पहचान जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर कहा कि देश के 4 टॉप ब्रॉडकास्टर ने यह फैसला सर्वसम्मति से किया है कि वे एक भी हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल या मूवी चैनल फ्री डिश पर नहीं दिखाएंगे। दोस्तों कंपनियां यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि नए नियम के चलते मौजूदा केबल और डीटीएच कस्टमर फ्री डिश की तरफ नहीं चले जाएं। चारों ब्रॉडकास्टर के सूत्रों ने इस डेवलपमेंट को सही बताया है, लेकिन किसी भी ब्रॉडकास्टर से ईटी के भेजे सवालों का जवाब वीडियो अपडेट करने तक नहीं मिल पाया है। दोस्तों फ्री डिश में उपभोक्ताओं को 80 चैनल्स मिलते हैं, जिनमें राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी सहित टीडी के 33 चैनल्स होते हैं। यह सर्विस उपभोक्ताओं के लिए लाइफ टाइम फ्री है। इसमें होता यह है कि एक बार आपको डिश और सेट टॉप बॉक्स के लिए पेमेंट करना होता है। प्रसार भारती ब्रॉडकास्टर्स को स्लॉट बेचकर कमाई करती है। उसने पिछले दिन एक गाइडलाइन बनाई थी, यानी प्रसार भारती ने, और अब वह अपने प्लेटफॉर्म पर 54 स्लॉट के लिए ऑक्शन करा रही है। प्रसार भारती ने पिछला ऑक्शन जुलाई 2017 में कराया था, जिसमें 11 प्राइवेट चैनल्स को स्लॉट मिले थे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रॉडकास्टर्स का यह फैसला कंज्यूमर्स को पे टीवी सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाने पर मजबूर करेगा, जिससे पब्लिक ब्रॉडकास्टर को भारी नुकसान होगा। दोस्तों ईटी ने पिछले साल सितंबर में खबर दी थी कि ब्रॉडकास्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डीडी फ्री डिश चिंता का सबब बनता जा रहा है। कई ब्रॉडकास्टर ने ईटी से बातचीत में कहा कि डीडी फ्री डिश की सर्विस ट्राई के टैरिफ ऑर्डर और इंटरकनेक्शन रेगुलेशन के एकदम उलट और अनुचित है। इसके अलावा प्रसार भारती को यह नहीं पता है कि उसके प्लेटफॉर्म पर अब तक कितने एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अनुमानों के मुताबिक डीडी फ्री डिश का 2.2 से 2.5 करोड़ का सब्सक्राइबर बेस है। कंसल्टिंग फर्म असर्ट एंड एंग ने इसका सब्सक्राइबर बेस 2020 तक 4 करोड़ तक पहुंचाने का अनुमान दिया है। दोस्तों दूरदर्शन ने डीडी फ्री डिश, जो कि पहले डीडी डायरेक्ट प्लस था, इसको दिसंबर 2014 में 33 टीवी चैनल्स के साथ लॉन्च किया था। डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चैनल्स की संख्या बढ़ाकर पहले 59 हुई, फिर दिसंबर 2014 में 104 तक पहुंच गई। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अच्छी पैठ बना ली, जिसके चलते प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स भी इसके प्लेटफॉर्म पर फ्री टू एयर चैनल्स दिखाने लगे। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या डीडी फ्री डिश टीवी की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, क्या फ्री डिश टीवी पर टॉप हिंदी चैनल्स दिखाए जाने चाहिए, आपका क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, बताना जरूर नीचे मुझे कमेंट में। तो मिलता हूँ अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।